बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस ने एक और लिस्ट की जारी। चार उम्मीदवारों के नाम छत्तीसगढ़ से कांग्रेस ने अनाउंस कर दिए हैं। कौन कौन से नाम है? सरगुजा से शशि सिंह को मैदान में उतारा है, रायगढ़ से डॉक्टर मेनका देवी सिंह, बिलासपुर से देवेंद्र सिंह यादव, कांकेर से वीरेश ठाकुर को टिकट मिला है। एक और लिस्ट कांग्रेस ने जारी कर दी है। चार लोकसभा सीटों से प्रत्याशी घोषित कर दिए। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं और अब ये सरगुजा शशि सिंह को उम्मीदवार बनाया है। रायगढ़ से मेनका देवी, बिलासपुर देवेंद्र सिंह यादव और कांकेर से वीरेश ठाकुर को प्रत्याशी घोषित किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस ने एक और लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में लोकसभा के लिए चार प्रत्याशी छत्तीसगढ़ से कांग्रेस ने उतार दिए हैं। शशि सिंह को सरगुजा, डॉक्टर मेनका देवी सिंह को रायगढ़, बिलासपुर से देवेंद्र सिंह यादव और कांकेर से वीरेश ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है। तो कांग्रेस की ये एक और लिस्ट जारी हो गई है। दीपक बैज को लेकर कांकेर से चर्चाएं थी, लेकिन यहां से कांकेर से वीरेश ठाकुर को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तो कांग्रेस ने ये एक्सरसाइज पूरी करने के बाद ये नाम अनाउंस किए हैं। शिवम प्रताप दिल्ली से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवम, जो बचे हुए नाम थे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए वो भी अनाउंस कर दिए गए हैं अब? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक छत्तीसगढ़ को लेकर हो गई थी। कुछ नामों पर चुनाव समिति की बैठक में मुहर लग नहीं पाई थी, उसको लेकर कांग्रेस प्रेसिडेंट को अधिकृत कर दिया गया था कि वो अपने हिसाब से संगठन के सर्वे और तमाम नेताओं के फीडबैक के आधार पर जो बाकी नाम है उनका ऐलान कर दें, और उसी को लेकर आज एक्सरसाइज पूरी कर ली गई है। नामांकन का दौर शुरू हो चुका है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी लगातार प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर रही है। अब तक कुल 195 के आसपास उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में यही चार नाम बचे थे, उनको लेकर भी आज कांग्रेस ने एक लिस्ट जारी करके तस्वीरें साफ कर दी। जिस तरीके की लगातार चर्चाएं थी कि फर्स्ट और सेकंड फेज में जिन राज्यों में इलेक्शन होना है कांग्रेस पहले प्राथमिकता उन पर दे रही है, उन सभी राज्यों में जहां जहां कांग्रेस पार्टी फर्स्ट और सेकंड फेज में इलेक्शन को जा रही है लगभग उन सभी सीटों पर ऐलान कर दिया गया। छत्तीसगढ़ को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी क्योंकि लगभग 5 तब से पहले कांग्रेस पार्टी की जारी हो गई थी, लेकिन उनमें इन नामों पर सहमति नहीं थी। तब से कयास लगाए जा रहे थे आखिर यहां से कौन कौन नाम होंगे, तो आज कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को लेकर तस्वीर पूरी तरीके से साफ कर दी और अब पूरी पार्टी के फोकस यही है कि कैसे छत्तीसगढ़ में सफलता पाए। चूंकि बीते विधानसभा चुनाव में पार्टी को अप्रत्याशित हार मिली थी, ऐसे में पार्टी ने अपने पूर्व मुख्यमंत्री को चुनाव मैदान में उतारा है। इन चार सीटों को लेकर लगातार तमाम दावेदार रस्साकसी कर रहे थे, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी ने इनका ऐलान कर दिया है। माना ही जा रहा है कि कोशिश की गई है कि सभी जो कास्ट बेस्ड समीकरण है उनको पूरा किया जाए और आसपास की जो लगती हुई सीटें हैं उनके आधार पर ही प्रत्याशियों का ऐलान किया जाए, और वही तस्वीर हमें इस लिस्ट में देखने को मिली। शिवम, भले ही छत्तीसगढ़ के लिए तो बचे हुए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया हो, लेकिन अगर हम ओवरऑल एक नंबर्स की बात करें तो बीजेपी से कहीं पीछे अभी फिलहाल कांग्रेस नजर आ रही है। देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी ने 300 के आसपास उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, कांग्रेस पार्टी ने 195 कर दिया, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि बीजेपी लगभग 400-425 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस को लेकर जिस तरीके से उनका तमाम राज्यों में गठबंधन हो रहा है माना जा रहा है कि 300 के आसपास ऐसी सीटें होंगी जहां कांग्रेस फाइट करेगी, और अब 195 नाम लगभग 195 और 96 नामों का ऐलान ऐसा हो गया है। माना यह जा रहा है कि निश्चित तौर पर सीटें भले ही कांग्रेस की बीजेपी से कम हो, 300 के आसपास बीजेपी ने ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को जिन सीटों पर जो फीडबैक मिला है उसके आधार पर लंबी स्क्रीनिंग चली, उसके बाद सीसी की बैठक हुई, नामों पर चर्चा हुई, कास्ट समीकरण से लेकर कौन सी सीट पर कैसे पार्टी को फायदा होगा, उन तमाम चर्चाओं के बाद इन प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। अब जैसे कि खबरें आ रही हैं, देवेंद्र यादव पार्टी के युवा विधायक हैं, उनको टिकट दिया है इस लिस्ट में, तो आप ये समझ सकते हैं जहां पर विधायक चुनाव जीत सकता है तो विधायक को कोई पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी लड़ाया है। कोशिश यह है कि भले ही सीटों में देरी हो लेकिन जो परिणाम आए वो कांग्रेस के फेवर में आए। और यहां पर ज्यादा दिमागी कसरत इसलिए भी करनी पड़ी शिवम, क्योंकि लगातार टूट का सामना करना पड़ रहा है कांग्रेस को, और कहीं ना कहीं डर अंदर खाने ये भी रहा होगा कि जैसे कहीं ये ना हो कि टिकट अनाउंस हो और वैसे प्रत्याशी पाला बदल ले।
देखिए निश्चित तौर पर कई जगह ये देखा भी गया है कि जैसे ही प्रत्याशियों का ऐलान होता है उसके बाद प्रत्याशी न सिर्फ पाला बदल लेते हैं बल्कि जो सामने वाली पार्टी होती है वो भी उसी अनुसार अपनी रणनीति बनाती है। यही एक वजह है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ ऐसे तमाम राज्य हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी ने भी कई सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान करने में डिले किया, क्योंकि दोनों चीजें देखनी होती है, एक तो सामने से कौन सा प्रत्याशी उतारा जा रहा है और जो स्वयं पार्टी प्रत्याशी उतार रही है कि ऐसा तो नहीं है कि उसके किसी और से नेटवर्क को। कई सीटें ऐसी होती हैं जहां पर सिंगल पैनल नाम होते तो उनका नाम पहली सीसी के बाद ऐलान हो जाता है, लेकिन जहां पर सहमति नहीं बन पाती है इसके अब स्क्रीनिंग कमेटी जो नाम भेजे होते हैं आलाकमान उनसे सहमत नहीं होता है, या जो आलाकमान का और इंटरनल संगठन का सर्वे होता है वो मैच नहीं करता है तो वहां पर सीटें डिले हो जाती है। यही एक वजह है कि आज ये चार सीटें, इनमें समय लगा, काफी टाइम लगी, काफी समय से ये बातचीत चल रही थी कि आखिर कब छत्तीसगढ़ में सभी सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारेगी। अब देवेंद्र यादव का भी नाम है, वो एमएलए हैं, सीएम के खास माने जाते रहे और इस पिछले चुनाव में भी उन्होंने अपनी जीत बरकरार रखा है। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को लगता है छत्तीसगढ़ में भले ही विधानसभा चुनाव में हार मिली है लेकिन पूर्व सीएम भूपेश बघेल को चुनाव में उतारने से और तमाम बड़े नेताओं को चुनाव में उतारने से छत्तीसगढ़ में एक मोमेंटम मिलेगा, हो सकता है कि पार्टी को वहां से बड़ी सफलता मिले। कांकेर से प्रदेश छत्तीसगढ़ के जो अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दीपक बैज, उनके नाम की चर्चाएं थी लेकिन यहां से वापस पार्टी ने बीरेश ठाकुर को ठाकुर पर अपना भरोसा दिखाया है जो पिछली बार हार गए थे। शिवम देखिए बिल्कुल चर्चाएं थी कि दीपक बैज को उतारा जाए लेकिन पार्टी का जो इंटरनल सर्वे था सूत्रों के मुताबिक उसमें इस बात को लेकर सहमति नहीं बन पाई, तभी ये चारों सीटें सीपी को कांग्रेस प्रेसिडेंट को अधिकृत कर दी गई थी कि वो बाद में सीसी के अलावा, क्योंकि अब दो से चार सीटें जब भी बचती है तो उनको लेकर सीसी में दोबारा चर्चा नहीं होती है, पैनल के जो नाम होते हैं उनको लेकर फिर बाद में जो पदाधिकारी हैं, प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं, अध्यक्ष हैं, उनसे सीपी बात करते हैं और उसके आधार पर डिक्लेयर कैंडिडेट को डिक्लेयर किया जाता है। माना यह जा रहा है कि पिछले चुनाव में भले ही प्रत्याशी को हार मिली हो लेकिन इस बार 5 सालों की मेहनत के बाद उन्हें उम्मीद है कि पार्टी वहां से जीतेगी। इंटरनल सर्वे था जो संगठन का उसमें दीपक बैज से ज्यादा जो रुझान था कार्यकर्ताओं का और जो सर्वे की रिपोर्ट थी उसके आधार पर ही पार्टी ने उन्हें फिर से एक बार टिकट दिया है ताकि जो पिछले 5-10 साल से लगातार वो एक्टिव है उसका फायदा पार्टी को उस लोकसभा सीट पर भी मिले, उस जिले में भी मिले। शिवम आप बने रहिए हमारे साथ, बिलासपुर से उमेश हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। उमेश, बिलासपुर को इंतजार था बिलासपुर में भी कि कांग्रेस अब कौन से प्रत्याशी पर यहां मोहर लगाती है, देवेंद्र सिंह यादव का नाम डिक्लेयर हो गया है। बिल्कुल, देखिए लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि बिलासपुर से जो लोकसभा प्रत्याशी होगा वो कौन होगा, क्योंकि जातिगत समीकरणों के आधार पर अगर हम कहें तो यादव से ये मांग उठ रही थी कि एक बार यहां पर से यादव कैंडिडेट होना चाहिए, लिहाजा यादव कैंडिडेट पर मुहर लगी। ये जरूर है कि यहां पर से विष्णु यादव का नाम लगातार चर्चाओं में था। इसके अलावा अगर हम कहें तो महापौर जो है यहां पर रामचरण यादव, उनके नाम पर चल रहा था। इसके साथ ही अगर बड़े चेहरे की बात करें तो यहां पर देवेंद्र यादव का नाम लगातार आ रहा था, हालांकि पार्टी अपनी मुहर नहीं लगाई थी लेकिन आज देर शाम होते ही पार्टी ने मुहर लगा दिया है। देवेंद्र यादव का नाम जो है बिलासपुर लोकसभा से तय कर दिया गया। अगर मैं बिलासपुर की बात करूं तो बिलासपुर लोकसभा बहुत महत्वपूर्ण सीट है और ऐसे में अगर हम कहें तो कांग्रेस यहां से लगातार 7 बार चुनाव हार गई है, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस जो है वो प्रत्याशी चयन को लेकर इसमें बहुत लगातार मंथन कर रही थी कि आखिर ऐसा कौन सा प्रत्याशी यहां से जीत दर्ज कर सकता है, कोई बड़ा प्रत्याशी यहां से चुनाव लड़ सकता है जिसकी वजह से जो पार्टी है वो थोड़ी मजबूत होगी। और कहीं ना कहीं जाति इफेक्ट की बात करूं तो लगभग 1,75,000 के से अधिक जो है यहां पर मतदाता जो है यादव समाज से जुड़े हुए हैं। अगर साहू समाज की बात करूं तो यहां पर साहू समाज 2 लाख के आसपास है, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो साहू कैंडिडेट को मैदान पर उतार दिया है लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं जातिगत समीकरणों के आधार पर अपने प्रत्याशी की चयन कर रही थी, तलाश कर रही थी और वो आज जो तलाश है वो पूरी हो गई है। के अलावा अगर बात करूं तो बिलासपुर जो है, बिलासपुर से यह भी मांग उठ रही थी कि स्थानीय कोई प्रत्याशी होना चाहिए, क्योंकि बिलासपुर भारतीय जनता पार्टी भी लगातार अगर प्रत्याशी मैदान पर उतारी है तो वो मुंगेली से ही वहां से प्रत्याशी, इससे पहले अगर लोकसभा चुनाव में अगर हम बात करें तो वहां से आज जो डिप्टी सीएम है प्रदेश के वो वहां से सांसद हुआ करते थे, वो भी मुंगेली के थे, एक बार फिर से उन्होंने मुंगेली पर ही भारतीय जनता पार्टी ने दांव खेला है। यही बात को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस ये चाहती थी कि मुंगेली से कोई प्रत्याशी वो उतारे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि ये जरूर है कि यादव फैक्टर जो था वो बहुत दिनों से चल रहा था, चर्चा में था कि यादव समाज से किसी को उतारा जाए क्योंकि बड़ी संख्या में उनके वोटर्स हैं, लिहाजा कांग्रेस ने उस पर मुहर लगा दिया है। हालांकि जब प्रत्याशियों का चयन हो रहा था इसमें कहीं एक बड़ा नाम पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का भी नाम था, हालांकि किसी कारणवश उन्होंने चुनाव लड़ने
से मना कर दिया था, लेकिन बड़े चेहरे पर दांव खेलना कांग्रेस का कहीं ना कहीं ये रणनीति के तहत ये पूरा चुनाव वो चुनाव में जा रही है लोकसभा चुनाव में। यही वजह है कि आप अगर पूरा सिनेरियो देखेंगे लोकसभा चुनाव के 11 सीटों की बात करूं, अब तक जितने भी सीट पे नाम तय किया है कांग्रेस ने सभी बड़े चेहरों को दिया, जो पूर्व मंत्री रहे हैं या विधायक रहे हैं उनको है, क्योंकि कार्यकर्ता जो विधानसभा में हार मिली उससे काफी हताश बताए जा रहे हैं, तो उन कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए जरूरी भी था कि जो बड़े चेहरे हैं वो आगे आते और पार्टी उनको मैदान में उतारती। निश्चित रूप से देखिए, बड़ा चेहरा अगर मैदान पे उतरा है तो कहीं ना कहीं जो पार्टी कार्यकर्ता है वो रिचार्ज होंगे, और चूंकि अभी 3 महीने पहले ही 4 महीने पहले ही आपने विधानसभा का इलेक्शन लड़ा है, एक बार फिर से लोकसभा का चुनाव है, तो कहीं ना कहीं वो बड़े चेहरे जो होते हैं, जो बड़े नेता होते हैं, पूर्व मंत्री है, अगर चुनावी मैदान पे उतरते हैं तो उनकी जो कार्यकर्ता है उनसे जो जुड़े लोग हैं वो कहीं ना कहीं पूरे दमखम के साथ मैदान पे उतरते हैं, और यही वजह है कि कांग्रेस इसी रणनीति के साथ जो है मैदान पे उतर रही, क्योंकि बड़ा चेहरा होना अपने आप में बड़ी। हमारे साथ शिवम में दिल्ली से लगातार जुड़े हुए हैं। शिवम, आगे के उम्मीदवारों को लेकर अब क्या इनपुट है? देखिए, कल केंद्रीय चुनाव समिति की कल शाम 6 बजे बैठक है, जिसमें तमाम राज्यों के जो बचे हुए कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनके नामों पर फाइनल मोहर लगेगी। उसमें लगभग 30 से 40 ऐसी सीटें हैं जिन पर चर्चा होगी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, गोवा हो, इन तमाम राज्यों में अभी तक कई सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ है। उसको लेकर भी होली की वजह से बीते 3 दिन से कोई ऐसी बैठक नहीं हुई है, लेकिन माना यह जा रहा है कल शाम को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, उसमें उत्तर प्रदेश के, बिहार, झारखंड और गोवा के उम्मीदवारों को लेकर मंथन होगा, और उसके बाद कांग्रेस को लिस्ट जारी करके इन नामों पर फाइनल मोहर लगा सकती है। जी, आप बने रहिए शिवम। तो उमेश, जरा हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ के 11 की 11 सीटों पर, जिस तरह से आपने कहा कि बड़े चेहरों को उतारा गया है, लेकिन इसके अलावा जो हम देख रहे हैं कि बीजेपी यहां पर लगातार बहुत एग्रेसिव कैंपेनिंग कर रही है। निश्चित रूप से देखिए, बीजेपी ने सबसे बड़ा दांव यही कि उन्होंने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, और जो प्रत्याशी है वो डोर टू डोर कैंपेन करना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बीजेपी जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं कांग्रेस से। क्योंकि अगर हम अब मुद्दों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कोई स्थानीय मुद्दा नहीं होता है, राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा होता है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों के पास एक ही चेहरे को लेकर मुद्दा है। एक है भारतीय जनता पार्टी जो नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर जनता के बीच जा रही है, दूसरी है कांग्रेस जो मोदी के खिलाफ लोगों के बीच पहुंच रही है। तो एक ही केंद्र बिंदु बना है, वो है नरेंद्र मोदी का चेहरा। चाहे कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस उनके खिलाफ जाकर, उस चेहरे के खिलाफ जाकर लोगों के बीच बात कर रही है, और वहीं अगर बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी उन्हीं को मुद्दा बनाकर जनता के बीच पहुंच रही है। तो देखिए, केंद्र बिंदु यहां पर बने हुए नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्तर के जो तमाम जो जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, जो ये 11 के 11 सीटें अब क्लियर हो गई है कि कौन किसका बनाम किससे मुकाबला होना है, ये पूरी लिस्ट का एक हम आपसे चाहेंगे संक्षेप में विश्लेषण बताइए कि किस तरह से कांग्रेस ने दांव लगाया है और कितनी चुनौती। जी बिल्कुल, देखिए ये वही नाम है जिन पर न्यूज 18 ने पहले ही संभावित लिस्टों में अपनी नाम यहां पर जाहिर कर दिए थे और बता दिया था कि ये वो नाम है जो कि कांग्रेस की तरफ से घोषित हो सकते हैं, चाहे शशि सिंह का नाम हो सरगुजा से, रायगढ़ से मेनका देवी सिंह का नाम हो जो कि सारंगढ़ राजघराने से ताल्लुक रखती हैं, या देवेंद्र यादव जो कि फिलहाल विधायक हैं भिलाई के और अब बिलासपुर को शिफ्ट किया गया है, बीरेश ठाकुर कांकेर, हमने पहले कहा था पिछली बार भी 2019 में चुनाव लड़े थे और बहुत कम मार्जिन से यहाँ पर चुनाव वो हारे थे भाजपा के मोहन मंडावी से, इसलिए इस बार उनको फिर से यहाँ पर रिपीट किया गया है। तो ये वही नाम है। शशि सिंह देखिए युवा चेहरा है सरगुजा से, जिनको कांग्रेस ने मौका दिया है, कांग्रेस के ही पूर्व विधायक पूर्व मंत्री तुलेश्वर सिंह की बेटी हैं और राहुल गांधी के गुड बुक में बताया जा रहा है, और टीएस सिंह देव की भी वहां पर पसंद है शशि सिंह, तो सरगुजा से उनको यहां पर टिकट दिया गया। हालांकि अमरजीत भगत भी काफी जोर वहां से आजमाइश कर रहे थे, लेकिन उनके साथ जिस तरीके से विवाद जुड़े उसके बाद शशि सिंह पर ही यहां पर कांग्रेस ने दांव खेलना उचित समझा, और उनके सामने चिंतामणि महाराज होंगे भाजपा के जो हाल ही में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए हैं। तो युवा चेहरे के तौर पर शशि सिंह, जो महिला भी हैं उनको कांग्रेस ने टिकट यहां पर दिया है। रायगढ़ की बात करें, मेनका देवी सिंह सारंगढ़ राजघराने से आती हैं, उनका भी नाम लगभग चल रहा था, तय था कि रायगढ़ से यहां पर उनको टिकट मिलेगी और उनको यहां पर टिकट मिली है। देवेंद्र यादव को लेकर एक बार फिर से ये आप समझ सकते हैं कि विवाद तूल पकड़ सकता है। देवेंद्र यादव काफी टारगेट पर रहे थे भाजपा के,
ईडी के भी बहुत सारे केसेस में उनके नाम यहाँ पर चल रहे हैं। ऐसे में देवेंद्र यादव अब बिलासपुर से लड़ते हैं तो तमाम चीजें फिर से रिपीट यहाँ पर होंगी जो विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी। कोर्ट ने भी उनको उनका जो वारंट था वो कैंसिल यहाँ पर किया था, और इसके अलावा ईडी महादेव सट्टा ऐप जैसे कई चीजों पे उनका नाम यहाँ पर सामने आया था। तो एक बार फिर से विधानसभा की रिपीटेशन हो सकती है। बीरेश ठाकुर के हम जिक्र कर रहे थे, वहां से भी अनिला भेड़िया का नाम, कभी मोहन मरकाम का नाम चल रहा था, लेकिन बीरेश ठाकुर इसलिए पसंद बने यहाँ पर क्योंकि पिछली बार बेहद कम मार्जिन से यहाँ पर उनको हार मिली थी। उसके अलावा जो कांकेर की 8 विधानसभा है उसमें से 5 पर फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है। जी अभिषेक जी, लौटेंगे कांकेर से, आपने बीरेश ठाकुर का जिक्र किया है, उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी खेम नारायण ने, जरा सुन लेते हैं, उस बातचीत को सुनवा भी देते हैं। खेम नारायण में जुड़ गए हैं लेकिन पहले वो बातचीत सुन लेते हैं। आखिर लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने भी कांकेर लोकसभा से अपना प्रत्याशी उतार दिया है। वही पूर्व प्रत्याशी बीरेश ठाकुर जो पिछले लोकसभा चुनाव में मात्र 6,000 वोटों से पराजित हो गए थे, लेकिन उनका मनोबल आज भी कमजोर नहीं है और वो दोबारा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और पार्टी ने उन पर जो है विश्वास दिखाया है और उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। तो बात करते हैं कांकेर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी बीरेश ठाकुर से कि वो इस बार इस चुनावी जो चुनाव है उसमें किस तरीके से चुनौती मानते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे केंद्र के शीर्ष नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सम्मान्य सोनिया गांधी जी, सम्मान्य राहुल गांधी जी, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी सम्मान्य सचिन पायलट जी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे कांकेर लोकसभा में दोबारा मौका देकर मुझे एक समय दिया है। तो निश्चित ही उनके जो सम्मान में मैं खरा उतरने का प्रयास करूँगा और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इसके सम्माननीय भूपेश राव का, सम्माननीय चरणदास महान जी का, सम्माननीय टी एस बाबा जी का और सम्माननीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैस जी का, इन्हों का भी आशीर्वाद से मुझे दोबारा यहाँ टिकट देने दिए हैं। निश्चित ही इनका भी जो सपना है उस सपना मैं पूरा खरा उतरने का प्रयास करूँगा। साथ ही साथ कांकेर लोकसभा की जनता का आशीर्वाद और समस्त कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद है जिसके परिणाम मुझे इस समय भारी बहुमत से विजयी हासिल करेंगे। मैं अपने कार्य 6,000 के वोटों के अंतर से पिछली बार जीत का स्वाद चखते चखते रह गए थे बीरेश ठाकुर, लेकिन इस बार आपकी जीत को लेकर आश्वस्त हैं और हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी एक बार मैं फिर आपका रुख करूं, उसके बाद मैं खेम नारायण के पास चलती हूं, लेकिन आप रायगढ़ से मेनका देवी सिंह के बारे में बता रहे थे। बिल्कुल, रायगढ़ की बात करें, मेनका सिंह जो है वो सारंगढ़ से आती हैं और लंबे समय से उम्मीदवारी वहां पर कर रही थी और रायगढ़ में अच्छी खासी चुनौती कांग्रेस के लिए इसलिए होगी क्योंकि रायगढ़ से ही मौजूदा जो सीएम है विष्णुदेव साय वो सांसद रहते रहे हैं। जशपुर से इससे पहले गोमती साय थी और इस बार उस इलाके पे खासा फोकस है क्योंकि जशपुर पे मुख्यमंत्री जो है जशपुर से आते हैं और रायगढ़ लोकसभा में ही जशपुर आता है, तो ये अच्छी खासी चुनौती यहाँ पर होगी सारंगढ़ से मेनका सिंह। मतलब दो महिला उम्मीदवार हम यहाँ पर देख रहे हैं कांग्रेस ने उतार दिए हैं। इससे पहले कोरबा से ज्योत्सना महंत थी वो उम्मीदवारी कर रही थी, वो उम्मीदवार के तौर पर हैं, तो कुल 11 में से 3 महिला उम्मीदवार कांग्रेस ने यहाँ पर खड़े कर दिए हैं। मैं बात कर रहा था बीरेश ठाकुर की, जिनका भी जिक्र हो रहा था, सभी को धन्यवाद उन्होंने यहाँ पर कहा है, तो उनको देने का मकसद यही कि वहाँ पिछली बार मार्जिन बहुत कम था, मोहन मंडावी की टिकट इसीलिए भाजपा ने इस बार काटी जो पिछले सांसद थे। विधानसभा में भी मात्र सबसे कम मार्जिन की जीत जो है कांकेर विधानसभा से मिली है, मात्र 16 वोटों से भाजपा के उम्मीदवार वहां से जीते। अभिषेक जी, कांग्रेस को बड़ी उम्मीद वहां पर दिखाई दी, चर्चाएं थी इस सीट से। बिल्कुल, दीपक बैज हो गए, मोहन मरकाम हो गए, ये चर्चाएं लगातार चल रही थी, लेकिन न्यूज 18 ने बीरेश ठाकुर का ही नाम दिखाया था और उसके पीछे बहुत वजह भी थी, लॉजिक भी था कि बीरेश ठाकुर बहुत कम मार्जिन से जीते थे और कांग्रेस वहां सबसे ज्यादा अपनी उम्मीद पाले हुए है। हालांकि पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया का भी नाम वहां से चल रहा था लेकिन अनिला भेड़िया ने अनिच्छा जताई वहां से चुनाव लड़ने को लेकर, जिसके बाद बीरेश ठाकुर का नाम
फाइनल यहां पर कर दिया गया, क्योंकि पिछली बार भी खासी मेहनत की थी, उनका बैकग्राउंड भी पॉलिटिकल है, उनके पिता भी विधायक रह चुके हैं, कट्टर कांग्रेसी हैं। ऐसे में कांग्रेस को ये बात मुफीद यहाँ पर लगी कि बीरेश ठाकुर ही सही उम्मीदवार यहाँ पर हो सकते हैं, इसीलिए उन पर ही यहाँ पर मुहर लगाई गई है। तो शशि सिंह के रूप में जहाँ सरगुजा में बिल्कुल नया चेहरा दिया है कांग्रेस ने, फ्रेश युवा चेहरा है, हालांकि उनका भी बैकग्राउंड पॉलिटिकल है, उनके पिता कांग्रेस की तरफ से मंत्री रह चुके हैं, लेकिन शशि सिंह पहली बार चुनावी मैदान में उतरेंगी और टीएस सिंहदेव का समर्थन उनको प्राप्त है, वो चाह रहे थे कि शशि सिंह वहां से चुनावी मैदान में हो। तो अमरजीत भगत का पत्ता उन्होंने काटा है और अमरजीत भगत की जगह शशि सिंह पर यहाँ पर जी अभिषेक जी रोकना चाहूंगी आपको। शशि सिंह का आप जिक्र कर रहे हैं, उनसे भी खास बातचीत की हमारे सहयोगी ने, जरा वो बातचीत पर दर्शकों को सुनवा देते हैं, फिर लौटती हूं आपके पास। कांग्रेस ने भी अब लोकसभा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दिया है, जिसमें सरगुजा संभाग से पहली बार एक नए चेहरे को, महिला चेहरे को इस बार मौका दे रहे हैं, जिसमें शशि सिंह जो है वो सूरजपुर जिले की सरगुजा संभाग के लिए उनको प्रत्याशी बनाया गया है कांग्रेस के द्वारा। हमारे साथ खुद यहाँ शशि सिंह मौजूद हैं। निधि, पार्टी ने आप पर भरोसा जताया, क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो मैं पार्टी को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझ पर और भी एक युवा पर भरोसा जताया। पार्टी हमेशा सही डिसीजन लेती है और ये डिसीजन भी शायद उनका सही ही हो। जी क्या लगता है, पहली बार आप जिला पंचायत सदस्य से अब सीधे आप लोकसभा के लिए आप चुनाव लड़ेंगी, चुनौती? मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मुझे चुनौती तो है, बहुत बड़ा चुनौती है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है मैं मेहनत करूँगी और हमारी कमेटी कांग्रेस पार्टी मेहनत करेगी और निश्चित हम जीतेंगे, संघर्ष में कहीं कमी नहीं होगा और कमज़ोर नहीं समझेंगे सामने वाले को, क्योंकि कमज़ोर उन लोग हैं भी नहीं, लेकिन अपने आप को भी कमज़ोर बिल्कुल हम नहीं समझते, निश्चित है जीत है। भाजपा जो है जो अपने प्रत्याशी सरगुजा से घोषित किए हैं, वो पहले कांग्रेस से अब वो भाजपा की ओर से लड़ेंगे, क्या लगता है कि आपके लिए क्या हो रहेगा, कि क्या चुनौती रहेगी, क्योंकि भाजपा ने कांग्रेस के ही जो पहले पूर्व में कांग्रेस में थे उनको उम्मीदवार के रूप में आपके सामने खड़ा किया? जी अभी तो भाजपा का डिसीजन है, काफ़ी वहाँ वरिष्ठ और बीजेपी में काफ़ी सीनियर्स थे, लेकिन उन्होंने चुना इनको, कोई बात नहीं, अच्छे व्यक्ति चिंतामणि जी, मुझे उनसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है, संबंध भी अच्छा रहा है, हम उनसे लड़ेंगे और अपने आदरणीयों को हटाने की प्रयास करेंगे। तो ये थी शशि सिंह कांग्रेस उम्मीदवार सरगुजा संभाग से, ऐसे में पार्टी जो उनको जिम्मेदारी दिया है उस जिम्मेदारी पर खड़ा उतरने के लिए पूरा कोशिश करने की दावे करते नजर आ रही है। वरुण राय, न्यूज 18 सूरजपुर। तो अभिषेक जी, जब चर्चाएं थी, कयास लगाए जा रहे थे, तो उस वक्त भी न्यूज 18 ने सबसे पहले तमाम नाम दिखाए थे जिन नामों पर आज पार्टी ने मोहर लगा दी है। बिल्कुल, ये नाम न्यूज 18 ने, सरप्राइज कुछ भी नहीं था और न्यूज 18 से खास बातचीत भी इन कैंडिडेट्स ने यहाँ पर की थी और एक तरीके से इनको हिंट भी यहाँ पर हो गया था कि ये उम्मीदवार बनने वाले हैं, इसीलिए ये पहले से अपने लेवल पे तैयारियां यहाँ पर इन्होंने शुरू कर दी थी और न्यूज 18 के पास इस बात की जानकारी भी थी, इसीलिए न्यूज 18 ने प्रमुखता के साथ इन्हीं नामों पर लगातार अपनी बात रखी और जो उम्मीदवार थे कांग्रेस के वो ये ही होंगे, इन चेहरों पर ही चर्चा हुई, उन चेहरों से ही बात हुई। तो हम बात कर रहे थे चार नामों की, हालांकि ये चार नाम क्यों इतने डिले किए गए ये समझ से परे है, क्योंकि कोई सरप्राइजिंग नाम नहीं थी, कोई ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ज्यादा मंथन यहाँ पर दिखा हो, क्योंकि शशि सिंह का नाम पहले से ही चल रहा था और उनके पीछे किस तरह का सपोर्ट था वो भी साफ था, बीरेश ठाकुर का भी नाम पहले से चल रहा था, क्या समीकरण बन रहा था, क्यों इतना डिले करके उनका नाम दिया गया जबकि सब कुछ क्लियर था। यहाँ पर देवेंद्र यादव का भी नाम बिलासपुर से चल रहा था, देवेंद्र यादव को लेकर हालांकि थोड़ी पशुपेश की बात समझ में आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे मामले उन पर दर्ज है, विधायक थे तब भी वो भाजपा के निशाने पर हुआ करते थे, जांच एजेंसियों के निशाने पर होते थे और अब बिलासपुर से उनका मौका मिला है, तो बिलासपुर से निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव के दौरान ये जो तमाम मामले हैं उसकी रिपीटेशन, उन आरोपों की रिपीटेशन एक बार फिर से यहाँ पर होगी। खास बात देखिए यहाँ पर बता दूं कि कांग्रेस ने जिन अपने पुराने लोगों को रिपीट किया जो विधानसभा में चुनाव लड़े थे, चाहे भूपेश बघेल की बात कर ली जाए पूर्व मुख्यमंत्री, चाहे शिव डहरिया की बात कर ली जाए या ताम्रध्वज साहू की बात कर ली जाए, जो कि ताम्रध्वज साहू और शिव डहरिया तो चुनाव हार भी गए थे, विकास उपाध्याय रायपुर से वो भी चुनाव हार गए थे, हालांकि देवेंद्र यादव चुनाव यहाँ से जीते थे, लेकिन देवेंद्र यादव को मौका यहाँ पर दिया गया है। तो
खासतौर पर भूपेश बघेल, देवेंद्र यादव, इन लोगों पर खासा निशाना है। जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में ये लोग हैं, तो जहां भूपेश बघेल की घेराबंदी बीजेपी कर रही है, तो वहीं देवेंद्र यादव को लेकर भी वो तमाम आरोप फिर से उठेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है, कुछ काम तो बिल्कुल क्लियर थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर डिले कांग्रेस की एंड से किया गया है। अभिषेक जी लौटूंगे आपके पास। देखिए, जब कयास थे तो भी न्यूज 18 ने सबसे आगे रहते हुए उन नामों को बताया था जो सबसे ज्यादा आगे चल रहे रेस में, और जब नामों की पुष्टि हो गई, सबसे पहले न्यूज 18 के हमारे सहयोगी ही उन तमाम प्रत्याशियों के पास पहुंचे हैं। खेम नारायण जुड़े हुए हैं कांकेर से। खेम नारायण, बिरेश ठाकुर काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं चुनाव को लेकर। जी बिल्कुल, बिरेश ठाकुर का नाम पहले से ही लगभग तय माना जा रहा था और न्यूज 18 पर जो है इस संभावित नाम पर भी मुहर लगाई गई थी। और बिरेश ठाकुर जो है चुनाव हारने के बाद से ही लोकसभा में पूरे 5 साल तक सक्रिय रहे हैं और पूरे कॉन्फिडेंस था उनको, उनके मनोबल कमजोर नहीं हुआ था। हालांकि वो 6000 मतों से पिछला चुनाव हारे जरूर थे, लेकिन जो 5 सालों तक उन्होंने मेहनत किया और उस सक्रियता को देखकर जो है पार्टी ने अंततः जो है विलंब से सही, लेकिन बिरेश ठाकुर पर जो है मुहर लगा दिया है। और अब बिरेश ठाकुर जो है कांकेर लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे और उनके जो अगेन विरुद्ध होंगे भाजपा के भोजराज नाग, और ये दोनों के मध्य जो है कांकेर लोकसभा में 26 अप्रैल को मतदान होगा। जी जी, उमेश के पास भी चलते हैं। उमेश, आप बताएं समीकरण जरा बिलासपुर के। देखिए, बिलासपुर की लगातार ये बात निकलकर सामने आ रही थी, हालांकि न्यूज 18 ने जिस तरीके से जो संभावित नाम दिखाए थे उस पर ही मुहर लगी है। दो नाम चल रहे थे, एक तो देवेंद्र यादव का नाम बहुत शीर्ष पर था और दूसरा नाम था विष्णु यादव, जो यहाँ बिलासपुर में कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी है और यहां पर पार्षद भी, उनका भी नाम चल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं देवेंद्र यादव के नाम को लेकर लगातार ये बात सामने निकलकर आ रही थी कि उनको ये टिकट लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि ये देरी क्यों हुई इस पर कांग्रेस के पास ही जवाब होगा कि आखिर क्यों देरी हुई, लेकिन ये जरूर है कि देवेंद्र यादव का अब नाम तय हो चुका है और निश्चित रूप से देवेंद्र यादव के नाम के बाद से यहां पर जो राजनीति है और तेज हो जाएगी, चूंकि देवेंद्र यादव वो नाम है जो विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, विधायक है भिलाई से, अब उनको कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जा रहा है बिलासपुर लोकसभा। तो ऐसे में जो यादव वोटर्स है उनको साधने की कोशिश जो है वो कांग्रेस करेगी इस प्रत्याशी चयन के बाद से। निश्चित रूप से आप देखना यह होगा कि कांग्रेस किस मुद्दे को लेकर यहां पर बिलासपुर के लोकसभा सीटों पर जाती है, जनता के बीच जाती है, लेकिन यह जरूर है कि थोड़ा सा अब यहां पर मामला जो है वो दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि पहली बार कांग्रेस ने जो प्रत्याशी चयन में बिल्कुल उमेश रोमांच, अब मुकाबला अब रोमांचक मोड़ पर आ गया है, क्योंकि अब तक तो यही था कि कब तक कांग्रेस की लिस्ट आएगी। और अभिषेक जी, अगर हम इस बातचीत में आज के भूपेश बघेल के उस बयान का जिक्र ना करें जहां वो बैलेट पेपर से इलेक्शन होने की बात कर रहे थे, तो ये हमारी जो पूरी बातचीत है वो अधूरी रह जाएगी। देखिए, भूपेश बघेल हो या कांग्रेस हो, लगातार ईवीएम का विरोध वो करते रहे हैं। हालांकि वो बात अलग है, 2018 में इसी ईवीएम के साथ जब वो एक बड़े बहुमत के साथ आए थे तब किसी ने ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया था। बहरहाल, आज फिर से ईवीएम पर सवाल भूपेश बघेल ने उठाया और बैलेट पेपर से अगर चुनाव हुए तो कांग्रेस जरूर जीत दर्ज करेगी, ये उनका यहाँ पर दावा था। बहरहाल, ये सब तो बातें हैं, आरोप हैं जो लगातार कई सालों से लगते रहे हैं, उसके बावजूद ईवीएम से चुनाव सफलतापूर्वक यहाँ पर होते रहे हैं। तो ये मुझे लगता नहीं कि बहुत बड़ा कोई मुद्दा यहाँ पर होगा। हालांकि उन्होंने एक नए तरीके से जरूर कहा कि 300 से ज्यादा प्रत्याशी नामांकन दिया है, अपने पूरे जो आने वाला कांग्रेस के ईवीएम बोलते रहे, जाहिर तौर पर ट्विस्ट जरूर दिया है। बहुत शुक्रिया आप सभी का बातचीत करने के लिए। तो जब जो कल तक कयास लगाए जा रहे थे उन कयासों में भी आगे चल रहे नाम न्यूज 18 ने दिखाए, और जो नाम अब आगे आ गया यानी जिन पर मोहर लग गई है वो नाम उन प्रत्याशियों तक भी जो पहुंची है न्यूज 18 की टीम, हमारे रिपोर्टर्स। और फिलहाल यहां पर रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।